भाई लिटरली कुछ दिन से तो मेरे साथ एक अलग ही मैजिक हो रहा है। परसों ही मैंने आपको बताया कि हैमस्टर कॉमेट बहुत जल्दी अपने स्नैपशॉट की डेट बताने वाली है और कल ही भाई अपडेट में उसने अपने स्नैपशॉट की डेट बता दी। और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया चीटिंग इज बैड कार्ड के बारे में कि भाई घबराओ मत, हैमस्टर कॉमेट केवल आपको डरा रही है ताकि आप गेम खेलो। भाई ये कार्ड आपका बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, मतलब हट जाएगा आपके अचीवमेंट से। और भाई यकीन ना हो तो भाई जाके देख लो। और अगर मैं आज ही देखूं अपने यहां पर हैमस्टर कॉमेट एप्लीकेशन में तो ये कार्ड मेरे में से हट चुका है, ठीक है ना। काफी लोगों में हट चुका है और काफी लोगों में अभी भी है, तो भाई इसका रीजन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम यहां पर अपने हैमस्टर कॉम्बैट में जाते हैं और यहां पर मैं जाता हूं अपने अचीवमेंट्स में और यहां पर अभी आप लोग देखते हो लाइव यहाँ पर अनलॉक का स्पेशल कार्ड आ रहा है जो रेस्क्यू टीम वाला था, ठीक है ना। और जो यहाँ पर मेरा वो कार्ड था ना चीटिंग इज बैड वाला, वो यहाँ से हट चुका है। और यही चीज मैंने अपनी वीडियो में बताई थी कि भाई बिल्कुल भी घबराओ मत, अगर इस कार्ड की वजह से अगर आपको एड्रॉप नहीं मिला, उसकी वजह कंडीशन बताई थी मैंने, अगर आपको एड्रॉप नहीं मिला जिनके कार्ड का कलर बिल्कुल फेयर था, ठीक है ना, उनको अगर एड्रॉप नहीं मिला तो भाई मैं आपको पैसे दूंगा जितने आपके पैसे बनते हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा श्योर था। और भाई आज ये चीज ये चमत्कार हो गया, ठीक है ना। तो भाई देखो मैं तो बिल्कुल सेफ हो चुका हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पास से कार्ड हट चुका है, तो यार मुझको तो बस अब वेट करना है एक बड़े एयरड्रॉप का। और भाई जिनके पास से आप जाके जरूर चेक कर लो, जिनके पास से कार्ड हट चुका है तो भाई वो तो पार्टी मनाओ, जश्न मनाओ एक बड़े एयरड्रॉप के लिए, ठीक है ना। लेकिन जिनके पास ये कार्ड अभी भी है, उनके पास से नहीं हटा है, तो जाहिर सी बात है कि हैमस्टर कॉम्बैट ने आपकी जो चीटिंग है वो पकड़ ली है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरी चीटिंग पकड़ नहीं पाई, क्योंकि भाई मैंने चीटिंग करी नहीं, भाई अपने यूट्यूब चैनल की कसम खा कह रहा हूं, भाई मैंने चीटिंग करी नहीं। मैंने भले गेम नहीं खेले, मैंने भले कीज कलेक्ट नहीं करी, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं करी। मुझे पता था कि भाई अगर मैं चीटिंग वगैरह करूंगा तो हैमस्टर कॉम्बैट के सॉफ्टवेयर पकड़ लेंगे कि भाई मैं गेम्स तो मैंने एक गेम को तो डाउनलोड करा भी नहीं है और ऊपर से भाई मेरी इतनी कीज हो रही है, जाहिर सी बात है तो आपने भी चीज करी होगी। तो आपको उससे करना क्या है, देखो इस टाइम पे हैमस्टर कॉम्बैट के जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत तगड़े वाले एक्टिव है, ठीक है ना। आप लोग देख भी सकते हो, वो कार्ड को भेज भी रहे हैं और कार्ड को हटा भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत एक्टिव है, क्योंकि एयरड्रॉप मुश्किल से मुश्किल 3-4 दिन के अंदर अंदर आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, हैमस्टर कॉम्बैट जो भी भाई नए नए गेम भेज रही है, एक बार हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं। चीटिंग से बचने का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि हैमस्टर कॉम्बैट जितने भी नए नए गेम्स आपको भेजी जा रही है, इसकी चार कीज है, इसकी चार कीज है, तो एटलीस्ट एक दिन में एक गेम से चार कीज ले लो और भाई वहां पर डाल दो, तो उनके सॉफ्टवेयर में चढ़ भी जाएगा कि भाई इस बंदे ने इतने गेम खेले हैं। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं नमक में यहाँ पर आटे में नमक चल जाता है, लेकिन भाई नमक में आटा नहीं चल सकता। तो आपने क्या कर रखा है, आपने इस टाइम पे कर रखा है कि भाई नमक में आटा मिला रखा है। और भाई देखो एक बात हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं पहले लाइट ऑफ कर देता हूँ, आपको अच्छे से फोकस हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, देखो एक बात आपको और बिल्कुल ध्यान सुननी है मेरी। हैमस्टर कॉम्बैट ने जब आपको बताया कि भाई हमारा सीजन 1 जो है वो एंड होना जा रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर उसने ये भी बताया कि जो टोकन आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो आपकी अचीवमेंट्स में होंगे, मतलब कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, जाहिर सी बात है कितनी एक्टिविटी करी है, तो वो सारे जितने भी आपके अचीवमेंट्स वगैरह बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अचीवमेंट्स का मतलब ये भी हो सकता है जो आपके अचीवमेंट्स, जहां पर अचीवमेंट का ऑप्शन है तो वहां पर आपके कार्ड्स को देख के होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बात का कॉमन सेंस लगाओ, हैमस्टर कॉम्बैट केवल एक एक जने का, एक एक पर्टिकुलर जने का ये थोड़ी देखिए कि इसका प्रॉफिट पर हार इतना है, ठीक है ना, इतने इतने ज्यादा कॉइंस कलेक्ट कर लिए हैं, इतने भाई इतना टास्क कंप्लीट करें, इतने इसने इस बंदे ने इतनी ज्यादा हमारी वीडियोस देखी हैं, इसने भाई टेलीग्राम हमारा जब से सब्सक्राइब कर रखा था, तो इतना रिकॉर्ड का भाई वो एक एक बंदे का नहीं देखने की है, वो केवल आपके अचीवमेंट से कार्ड्स देखेगी, जितने आपने कार्ड्स कंप्लीट कर रखे होंगे उसके अंदाजे से वो लगा लेगी कि हाँ भाई जैड सी बात है कि इस बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत कर रखी है, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स में से ही आपकी मेहनत पता चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने अपने कॉइन्स को इंक्रीज करा है तो वो भी आपको अचीवमेंट्स मिल रहा है, ठीक है ना, 500 कॉइन पे मिल रहा है कार्ड, भाई 1 बिलियन पे कॉइन एक कार्ड मिल रहा है, तो इस तरीके से, क्योंकि वो अचीवमेंट्स का ऑप्शन लाई इसलिए है ताकि उसको भाई यहाँ पर कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा ईजी हो जाए, समझ पा रहे हो ना। तो आपको अपने कार्ड को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोग पूछ रहे थे भाई किस तरीके से हम कार्ड को इंक्रीज करें, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो इन्वाइट वाले हैं वो भी भाई पूरे टिक हैं, 100 बंदों को तो भाई रेफर कर दो मेरे भाई, भाई अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर सबको कर दो, केवल वो क्लिक करेंगे, लॉन्च पर क्लिक करेंगे, चाहे वो माइनिंग न करे आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कार्ड को किस तरीके से इंक्रीज करना है, देखो यहां पर सबसे पहले अपने अचीवमेंट्स पे जाना और यहां पर आप देखना अपग्रेड कार्ड में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने जो कार्ड्स की लेवल है वो अगर आप 15 लेवल तक कर देते हो, ठीक है ना, 15 कार्ड को अगर आप 15 लेवल तक कर देते हो तो आपको एक कार्ड मिल जाएगा, 25 तक कर देते हो तो भाई दूसरा कार्ड मिल जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। मैं जाता हूं अपने हैमस्टर कॉम्बैट पे होम पे जाता हूँ और यहाँ पर अपने कार्ड वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखते हो जैसे मेरी के मेरा ये है याला कार्ड है, ठीक है ना, इसकी लेवल इस टाइम 13 हुई हुई है, तो इसकी 14 कर लेता हूँ और इसकी 15 कर लेता हूँ, ये कार्ड मैंने अपना 15 लेवल तक कर दिया है, ठीक है ना। अभी दूसरा कार्ड आ रहा है, इसकी भी 15 कर देता हूँ, तो इसकी भी 15 कर देता हूँ, इसकी लेवल 10 जा रही है, 12 हो गई और ऊपर 13 लेवल हो गई, 14 हो गई और ये 15 हो गई, तो ये देखो आप लोग देखो
ठीक है ना। तो यहां पर भाई अगर मैंने अपने इतने कार्ड्स की, यहां पर एक लिमिट है कि अगर आप अपने 10 कार्ड के, देखो यहां पर अपग्रेड कार्ड टू लेवल 15, 10 कार्ड्स, मैंने 10 कार्ड की जो लेवल है वो 15 कर दी है, तो इसलिए मुझे एक अचीवमेंट कार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, मैं अचीवमेंट्स में दोबारा जाता हूं और कार्ड्स में जाता हूं। तो यहां पर आप लोग देखते हो अपग्रेड कास्ट टू लिव, ठीक है ना। तो यहां पर भाई देखो मेरे 3 कार्ड्स मैंने खोल लिए हैं, ठीक है ना। अब अगर मुझे चौथा कार्ड भी खोलना है, फोर्थ कार्ड भी खोलना है, तो मुझे 25 कार्ड की लेवल, जो 25 मेरे कार्ड होंगे उनकी लेवल मुझे 15 तक लेके जानी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे जो कार्ड्स है इसकी लेवल कितनी हुई है, इसकी लेवल सपोज करो कि भाई 5 या 6 हुई हुई होगी। तो अगर मैं इसको खोलता रहूंगा इसकी 15 लेवल कर दूंगा, तो अभी तो मेरे 10 कार्ड की लेवल हुई थी 15, तो अब इसकी मेरी 11 कार्ड की हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं और कार्ड्स की लेवल करता रहूंगा 15 तक, मैं 25 कार्ड की जितने भी कार्ड्स हैं इनकी लेवल, इन सभी की लेवल अगर मैं 15 कर दूंगा, ठीक है ना, 15 लेवल तक पहुंचा दूंगा 25 कार्ड की, तो मेरा फोर्थ कार्ड भी खुल जाएगा। और मुझे फिफ्थ कार्ड खोलने के लिए, यहां पर आप लोग देखते हो फिफ्थ कार्ड खोलने के लिए मुझे अपने जितने भी कार्ड्स है एटलीस्ट कम से कम 50 कार्ड की लेवल को 15 तक लेके जाना पड़ेगा, तब मेरा यहाँ फोर्थ वाला कार्ड खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड की लेवल को यहाँ पर अप कर सकते हो और अपने यहाँ पर अचीवमेंट्स के कार्ड्स खोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो अपग्रेड कार्ड्स, ठीक है ना, जितने आपके कार्ड्स अपग्रेड होंगे उतने आपको और अचीवमेंट मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉइन्स कलेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान को रखना पड़ेगा कि आप अपने कॉइन्स को भी वेस्ट मत करना, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट आई थिंक आपको लेवल के ऊपर भी यहाँ पर एयरड्रॉप दे सकती है, ठीक है, टोकन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कि आप ग्रैंड मास्टर पे हो, आप लॉर्ड पर हो, या फिर आप क्रिएटर पे हो। ग्रैंड मास्टर को, ग्रैंड मास्टर वाले जनों को अलग यहाँ पर डाल देगी और लॉर्ड वालों को अलग रखेगी और क्रिएटर वालों को अलग रखेगी। तो एटलीस्ट अगर आप ग्रैंड मास्टर पे हो तो लॉर्ड पर आने की पूरी कोशिश करना, ताकि अगर आपको एक बड़ा एयरड्रॉप चाहिए, ठीक है ना। बाकी हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में ऐसी डीप नॉलेज के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली लाता रहूंगा। और जैसे इसका एयरड्रॉप आता है, जैसे इसका स्नैपशॉट वगैरह ले लेते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम पैसे वगैरह विड्रॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लेकिन लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा। तो भाई बहुत अमेजिंग चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए तो भाई मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पर भी मैं वीडियोस वगैरह डालते रहता हूं या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह डालता रहता हूं, ठीक है ना। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, सीखे जाता है और फिर मिलेंगे, चलते चलते।